मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपको और आपके बेटी को किसी को नहीं जानता? नहीं बेटे, नहीं, ऐसा मत बोलो। तूने मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, अब तू क्या उसकी जान लेकर मानेगा? बेटे मैं तुझे बहुत मुश्किलों से यहां ढूंढते हुए आया हूं, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझ पर रहम करो। आज एक बेटी का बाप तेरे सामने सर झुकाए खड़ा है, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, बस बेटे एक बार उसके सामने चलकर खड़ा हो जा, मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपके थप्पड़ मारने से या हाथ जोड़ने से मैं राहुल कैसे बन जाऊं? मैं राहुल हूं ही नहीं। बेटे मैं बहुत उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया हूं, मुझे निराश मत करो। बेटे ये सिर जो आज तक किसी के सामने झुका नहीं, आज तुम्हारे सामने झुकाए खड़ा हूं अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी को बचा लो बेटे, मेरे साथ चलो वरना मेरी बेटी मर जाएगी। बेटे मेरे साथ चलो। बेटे आपकी बेटी जिए या मरे मुझे उससे क्या, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। ठीक है मैं कोशिश करता हूं। कैन वी कम इन डॉक्टर? बाद में बात करते हैं प्लीज। कम जी। बोलिए डॉक्टर। हम दोनों तृप्ति के भाई हैं, तृप्ति की तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं। पहले से काफी ठीक है, अब बातचीत करने लगी है वो, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? वो अपने पति राहुल को नहीं भूल पा रही, उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। हमेशा राहुल के बारे में पूछती रहती है। उसके सबकॉन्शियस में बस एक ही नाम है, राहुल, उसके सिवाय कुछ नहीं। ऐसे में पेशेंट की कंडीशन ठीक भी हो सकती है और नहीं भी। मतलब उनके सुधार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रह रहकर बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, बस यही एक प्रॉब्लम है। मैंने आपके फादर को एक सजेशन दिया था कि अगर हो सके तो वो उनके पति राहुल को उनके सामने एक बार ले आए, शायद वो जल्दी ठीक हो जाए। बाबू जी राहुल को ढूंढने गए तो हैं, देखते हैं अब क्या होता है। जो होगा अच्छा ही होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके डॉक्टर। डॉक्टर सक्सेना बोल रहा हूं। तुम इतने निर्दयी इतने कठोर कैसे बन गए राहुल? आप हैं कौन? मैं उस बदनसीब बेटी का बाप हूं जिसने इससे प्यार किया और उसके बाद इससे शादी की, और इस आदमी ने उसे ऐसा सदमा दिया है कि आज वो हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ, बेटी तो बाप की मुंडेर पर बैठी हुई एक चिड़िया होती है, और उस चिड़िया को इसने घायल कर दिया है। वो मर जाएगी। आपको पूरा यकीन है कि यही वो राहुल है जिसने आपकी बेटी से शादी की थी? अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं यहां आता क्यों? इतने सालों तक ये घर जमाई बनकर हमारे घर में रहा है, हमारे परिवार के साथ रहा है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, उनकी बातों में मत आइएगा। ये झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा बेटे, क्या मिलेगा? एक बाप को अपनी बेटी की इज्जत उछलवाने में क्या हासिल होने वाला है? देखिए भाई साहब, जरा एक बार गौर से देख लीजिए, शायद कहीं कोई गलतफहमी हो रही हो। गलतफहमी? एक बेटी का बाप अपनी बेटी के पति को पहचानने में कभी गलती नहीं करेगा। अपनी पहचान को बदलकर यह हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। अगर इसने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया है तो यह भी सुखी नहीं रहेगा, पर बहुत तबाह हो जाएगा। ये एक बेटी के बाप का श्राप है तुझे। तुम्हारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है।
कि सच क्या है और झूठ क्या है। हमारे लिए तो जैसे इम्तिहान की घड़ी आ गई है। आप भी एक बेटी के बाप हैं। कल आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, ये अपना नाम बदल करके दूसरी शादी कर लेगा, तब आप क्या करेंगे? सतीश, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। इनके साथ जाना चाहिए? पागल हो गई हो तुम? हाँ, जब मैं इनको जानता तक नहीं तो मैं इनके साथ क्यों जाऊं? क्या सचमुच तुम नहीं जानते? लेकिन हमारा भगवान जानता है। अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम अपनी पहचान बदलकर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे तो ठीक है। अगर मेरी बेटी की किस्मत में तुम्हारे नाम से मरना ही लिखा है तो वो मरेगी। लेकिन बेटी, तुम्हारा क्या होगा अगर ये इंसान मेरी बेटी का पति नहीं हुआ? तो याद रखना, ये तुम्हारा पति भी नहीं रहेगा। तुम अपने बारे में सोच लेना। देखिए, आप जाइए यहां से, बहुत देर से आपकी बकबक सुन रहे हैं। आप किसी को भी अपनी बेटी का पति कहेंगे तो वो मान लेगा क्या? मेरी बेटी तो अभागल है, लेकिन आप अपनी बेटी के भाग्य के बारे में जरूर सोचिएगा। डॉक्टर साहब, यस, तृप्ति कैसी? पहले से काफी ठीक है, लेकिन अभी उसे आराम की जरूरत है। ओके। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी आ गए भैया। बाबूजी, क्या हुआ जी? तृप्ति कैसी है बेटे? डॉक्टर ने अभी चेकअप किया है, वो आराम करे। वो सिर्फ राहुल के अलावा कोई और नाम ही नहीं ले रही बाबूजी। बाबूजी, आप राहुल को लाने गए थे, क्या हुआ? मुझे कुछ बोलिए ना बाबूजी। क्या बताऊं बेटे, मैं उसके सामने बहुत गड़गड़ाया। अपनी बेटी की जिंदगी के लिए मैंने उससे मिन्नत तक मांगी, लेकिन उसने एक मेरी नहीं सुनी। ना खुदगर्ज, इतना बेगैरत इंसान हो गया है वो। बेटा, खुदगर्ज इंसान में तो इंसानियत होती है, लेकिन राहुल के अंदर तो वो इंसानियत भी मर चुकी है। अपने स्वार्थ के लिए उसने अपना नाम तक बदल डाला है। बेबिंदी का लोटा है वो। अब मैं इस राहुल को नहीं छोड़ूंगा। आज इसी की वजह से हमारी तृप्ति की हालत हुई। इसको नहीं छोड़ूंगा भैया। निशान, शांत हो जाओ। क्या भैया, क्या हालत की इसने? मैं जानता हूं निशान, लेकिन ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है, शांति से काम लेने का है। एक काम करो, तुम पता करो कि उर्मिला अब तक क्यों नहीं आई है। ठीक है भैया, मैं फोन करके पता करता हूँ। बाबूजी, आप
बेटी, उसे मेरी आंखों के सामने लाई है ना बाबूजी, राहुल कहाँ है? मैं बड़ी आस लेकर उसके पास गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे ढूंढा, लेकिन 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 क्या बाबूजी? एक नीच और धोखेबाज इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है बाबूजी? लेकिन आप तो राहुल को लेने गए थे ना, मेरा राहुल अब राहुल नहीं आएगा बेटी। तृप्ति बेटी, राहुल राहुल को भूल जाने में ही तेरी भलाई है, वो तेरी जिंदगी का एक बुरा सपना था जिसे टूटकर अलग ही होना था, उसके साथ तेरी शादी एक धोखा था, एक छलावा था। वो बहरूपिया तो कहता है कि वो राहुल ही नहीं है बेटी, जिसने अपना नाम भुला दिया हो वो भला तुझे कैसे याद रखे बेटी। मैं उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, मैंने अपना सर उसके सामने झुका दिया, लेकिन वो मेरी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तृप्ति बेटे, अब ना तू अपना अपमान कर और ना मेरा, वो तेरी जिंदगी पर एक कालिक था, एक बदनुमा दाग था, और इस दाग को तू अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। मुझे श्वेता, श्वेता रुक जाओ, श्वेता मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे श्वेता तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो अभी यही कहोगे कि वो औरत झूठी है, उसका बाप झूठा है। अगर जिंदगी में कोई सच्चा है तो वो सिर्फ तुम। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठा हूँ? अगर मेरी एक शादी हुई होती तो मैं दूसरी शादी क्यों करता? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। देखो श्वेता, कोई भी अपने रिश्ते के साथ ऐसी बेवफाई नहीं करता, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताता। श्वेता, श्वेता सुनो तो, श्वेता श्वेता रुक जाओ। बिना किसी सच्चाई के कोई बाप अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगा? अरे वो सब उसका नाटक था। ऐसे नाटक कौन करेगा? उन्होंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, कोई बेवजह तो ऐसा नहीं करता ना? माना कोई बेवजह ऐसा नहीं करता, लेकिन इसके पीछे उनकी क्या साजिश है ये कैसे जाना जा सकता? कोई तो वजह होगी। हाँ मुझे तो लगता है कि इसके पीछे किसी की गहरी चाल है। चाल? हाँ। कैसी चाल? हमारा कोई दुश्मन ये नहीं चाहता कि हम पति पत्नी एक साथ खुश रह सके। ये अचानक दुश्मन कहां से पैदा हो गया? श्वेता बात तो सुनो। श्वेता, श्वेता रुक जाओ, श्वेता रुक जाओ। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन उनके कहने से मैं राहुल तो नहीं बन जाऊंगा ना? तो मेरे भी तो नहीं हो पा रहे ना सब कुछ। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो श्वेता, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना कि दुनिया पर। लेकिन हमें इसी दुनिया में रहना है पूरे भरोसे और विश्वास के साथ। अब तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है सतीश, क्योंकि मुझे अब यकीन हो चला है कि तुमने मुझे धोखा दिया। क्या? हाँ, और अब मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगी। अनीता? हाँ माँ। अनीता, अपनी माँ से इन आंसुओं को मत छिपा बेटी। क्या मैं जान सकती हूँ इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है माँ, बस यूं ही। बिना वजह कोई आंसू नहीं बहाता बेटी, बता ना क्या बात है? कुछ नहीं माम, आप परेशान ना हो। तुम्हारी ये परेशानी को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी है। आखिर तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? बस
अच्छा दिल किया। बहुत दिन से रोई नहीं थी ना। रोए तेरे दुश्मन। इस तरह मैं पहली बार रोते देख रही हूं तुम। पता ना प्रशांत ने तुम्हें कुछ कहा? अनीता, अनीता मेरी बच्ची, पता ना बात क्या है? शायद प्रशांत अब मेरा कभी नहीं हो सकता। तो तू प्रशांत के लिए रो रही थी जो तेरे लायक ही नहीं है? पर मैं प्रशांत को नहीं खो सकती। तो क्या उसके चक्कर में अपने आप को खो देगी? ये सोचकर कि प्रशांत मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरे चारों ओर मुझे अंधेरा दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि ये जिंदगी किसी काम की ही नहीं। ये तुम्हारी बेवकूफी है और प्रशांत ये जान गया है। तुम उससे ज्यादा ही प्यार करने लगी हो और इसी बात का फायदा उठाकर वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। मां, मैं प्रशांत के बिना मर जाऊंगी। पहले तुम ये रोना बंद कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी किसी के लिए इतने कमजोर बन गई है। अब जिसने मेरी बेटी को इतना कमजोर बनाया है उसे मुझे जवाब देना होगा। मां, रुक जाओ।